ओडिशा से गांजा तस्करी को लेकर अब माफिया महिलाओं का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। इन महिलाओं को सड़क मार्ग से लग्जरी वाहन से परिवार का सदस्य बनाकर लाया जाता है और परिवार में ही सीट के नीचे व सीट को काट कर उसमें गांजा भरकर आजमगढ़ व आसपास के जिलों में लाया जाता है। इसका भंडाफोड़ आजमगढ़ के पुलिस ने किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में उड़ीसा निवासिनी दो महिलाओं समेत 7 को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक यूपी के जौनपुर, एक बिहार व 5 लोग उड़ीसा के हैं। इनके कब्जे से 4 पहिया वाहन, 61 किलो गांजा व 6 मोबाइल बरामद हुए। एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि स्वात टीम व निजामाबाद थाना पुलिस की टीम संयुक्त रूप से संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि मोहम्मदपुर की तरफ से एक स्कॉर्पियो में भारी मात्रा में गांजा लेकर कुछ लोग आ रहे हैं, अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के सदस्य पकड़े जा सकते हैं। सूचना पर पुलिस टीम सतर्क हो गई और घेराबंदी कर ली। कुछ देर बाद एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी मोहम्मदपुर की तरफ से आती दिखाई दी, जिसको हमने पुलिस बल द्वारा इशारा करके रोका गया तो गाड़ी में कुछ लोग दिखाई दिए, जिनको उतार कर नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम क्रमशः विनय कुमार बिंद निवासी बनवीपुर थाना मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर, अच्छीलाल शाह निवासी सहरसा थाना भगवानपुर हाट जिला सिवान बिहार, अभयवीर निवासी गली मेटा थाना अदावा जिला गजपट्टी उड़ीसा, तपन कुमार पत्र निवासी रायपनका थाना अदावा जिला गजपट्टी, प्रकाशवीर निवासी सुंदरपुर थाना पादापुर जिला रायगढ़ उड़ीसा, ललिता पत्नी प्रकाशवीर निवासी सुंदरपुर थाना पादापुर जिला रायगढ़ उड़ीसा, ललिता पत्नी घनिष्ठ गोरडिया निवासी रायगढ़ थाना रायगढ़ जिला रायगढ़ उड़ीसा व मंजूरा पत्नी अभिमन्यु निवासी रायगढ़ थाना रायगढ़ जिला रायगढ़ उड़ीसा बताए। इन सब की तलाश में 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। निजामाबाद जी सर। सर निजामाबाद थाने में गांजे के साथ कुछ लोग पकड़े गए, क्या प्रकरण है पूरा? देखिए, पिछले दिनों से जो मादक पदार्थ की जो तस्करी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ अभियान जनपद में चलाया जा रहा था और उसी क्रम में आज ये चौथी बड़ी खेप बरामद हुई है। लगभग 61 किलो गांजा पकड़ा गया है, एक स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी गई है और इसके अंदर जो बॉक्स बनाया गया था सीटों के नीचे, उसके अंदर से ये लगभग 61 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसमें मेन बात यह है कि इसमें 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, एक जौनपुर का है, एक बिहार का है और बाकी अभियुक्त उड़ीसा के हैं और इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपना ये दिखाते हुए कि हम गाड़ी में महिलाओं वगैरह को बैठा के चल रहे हैं, उसके नीचे लग्जरी गाड़ी में स्कॉर्पियो में गांजा ले आते थे और ला के इधर उतारते थे। तो इन इस ये सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई है। और न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।